पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को डुबा नहीं सकता जब तक पानी को जहाज अंदर आने न दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति न दे। एक बात माइंड में सेट कर लो, आपने परमेश्वर का उंगली नहीं पकड़ा है बल्कि परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है। भजन संहिता 37:24 में लिखा है, चाहे वे गिरे तो भी पड़ा न रहेगा क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। जो सामर्थ्य प्रभु मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। विश्वास से उठाया गया प्रत्येक छोटा कदम भी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए एक महान कदम है। निराश मत हो जाओ, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, लगे रहो। एक दिन में कोई घर नहीं बनता, एक दिन में कोई इंसान छोटे से बड़ा नहीं होता, एक दिन में हम पूरे साल की पढ़ाई नहीं कर सकते, एक दिन में कोई शारीरिक इंसान आत्मिक नहीं बन सकता। वैसे ही हम भी रोज प्रयास करना चाहिए, रोज बाइबल पढ़ो, रोज प्रार्थना करो, रोज आत्मिक संगति करो। एक दिन आप जरूर आत्मिक योद्धा बन जाओगे और अपने भर्ती करने वाले को खुश करोगे। प्रार्थना करो और शैतान को फाड़ दो, बाइबल पढ़ो और शैतान को काट दो।